एवरी वन इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आई एम गोइंग टू डिजाइन वन बिट कम्पेरिटर है की हमारे पास टू नंबर्स होंगे जो वन बिट के होंगे जिनका साइज वन बिट होगा उसका ये करेगा ठीक है मीन्स की हाउ मेनी इनपुट्स आर रिक्वायर्ड इनपुट्स इसके कितने होंगे इनपुट्स ए एंड बी जब हम इसके ट्रुथ टेबल बनाएंगे आउटपुट कितने होंगे हाउ मेनी आउटपुट्स थ्री आउटपुट्स आउटपुट्स क्या होंगे ये नंबर हमारे ग्रेटर देन हो सकते हैं ए ग्रेटर देन बी ए लेस देन बी एंड इक्वल देन ए इक्वल टू बी ठीक टू इनपुट्स थ्री आउटपुट्स. तो सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करेंगे होगा दिस इज वन बिट कंपैरेटर, वन बिट कंपैरेटर, विच हैव टू इनपुट्स ए एंड बी थ्री आउटपुट्स ए इक्वल टू बी ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी ठीक तो सेम ब्लॉक डायग्राम हमें बनाना है यूजिंग डिकोडर ठीक है हमें उसकी सर्किट बनानी है दिस इज ब्लॉक डायग्राम ठीक नाउ अब हमारे पास अगर टू बिट्स हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होंगे वेन बोथ इनपुट्स जीरो जीरो वन ए इज वन बी इज जीरो ए इज वन बी इज वन ठीक नाउ अब अगर हम कंपेयर करें तो जीरो जीरो है मीन्स कि जो इनमें से जो भी आउटपुट ट्रू होगा उसके लिए ये वैल्यू वन होगी तो जीरो ज़ीरो तो इसमें ए इज़ इक्वल टू बी मीन्स कि ये हमारा वन होगा रिमेनिंग टू जो होंगे वो जीरो होंगे ठीक इन दिस केस ए इज़ ज़ीरो बी इज़ वन मीन्स ए क्या है हमारा लेस है मीन्स कि ए लेस देन बी विल बी वन रिमेनिंग टू विल बी ज़ीरो इन थर्ड केस वन है बी की वैल्यू जीरो है मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी मीन्स कि दिस विल बी वन दिस विल बी जीरो दिस विल बी जीरो ठीक नाउ वन वन के केस में हमारा क्या होगा ए इज ग्रेटर देन बी नो जीरो हो जाएगा ए इज लेस देन बी नो जीरो हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी वन हो जाएगा ठीक नाउ ये हमारी ट्रुथ टेबल बन गई इसकी नाउ अगर हम अब इनके एक्सप्रेशन लिखें तो फॉर ए इज ग्रेटर देन बी हमारे पास अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा समीशन एम ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ इस केस में हाई हो रहा है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा वन जीरो है मीन्स टू ठीक और अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखे तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा ए की वैल्यू वन है मीन्स ए यहाँ जीरो है मीन्स बी बार ठीक नाउ ए लेस देन बी इज इक्वल टू समीशन एम मीन टम यहाँ पे क्या होगा दिस वन जीरो वन मीन्स कि ये है वन और एक्सप्रेशन के फॉर्म में ए इज जीरो मीन्स ए बार बी इज वन मीन्स बी नाउ अगर हम करते हैं ए इक्वल टू बी तो टू केसेस हैं एक तो फर्स्ट केस है मीन्स की समीशन एम जीरो एंड लास्ट केस है मीन्स की थ्री अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे बोथ जीरो जीरो है मीन्स ए बार बी बार प्लस यहां क्या है ए बी ठीक है दिस इज द इक्वेशंस नाउ अब हमें डिकोडर क्या कौन सा चाहिए होगा इन दिस केस टू इनपुट्स हैं थ्री आउटपुट्स हैं मीन्स कि हमें जो डिकोडर रिक्वायर्ड होगा वो टू इज टू फोर रिक्वायर्ड होगा तो मैंने एक टू इज टू फोर डिकोडर लिया दिस वन ठीक है इसके टू इनपुट्स हो गए टू इनपुट्स क्या होंगे ए एंड बी ठीक है इसके फोर आउटपुट्स होंगे वन टू थ्री फोर दिस इज वाई नॉट वाई वन वाई टू वाई थ्री क्लियर ये आउटपुट हमें कब मिलेगा यहाँ पर ये कब सेलेक्ट होगा वेन दिस टू वैल्यू ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो मीन्स दोनों जीरो होंगे मीन्स यहाँ पर क्या हमें मिल रहा है ए बार बी बार वाई वन कब सेलेक्ट होगा वेन जीरो वन मीन्स ए बार बी ठीक है नाउ वाई टू कब सेलेक्ट होगा वेन वन जीरो मीन्स कि वाई टू पर हाई हमें कब मिलेगा वेन ए इज़ वन बी इज ज़ीरो तो दिस इज ए बी बार ठीक है नाउ वाई थ्री कब होगा वेन बोथ इनपुट्स वन मीन्स कि यहाँ हमें क्या मिल रहा है ए बी ठीक नाउ अब मैं आउटपुट्स लिख देती हूँ तो मीन्स कि हमारा जो सबसे फर्स्ट है ए ग्रेटर देन बी ये कब है टू पर मीन्स वाई टू यही कॉम्बिनेशन है मीन्स कि हमें जो यहाँ आउटपुट मिल रही है दिस इज फॉर a greater than b ठीक नाउ फॉर दिस अब a less than b कहाँ पे मिल रही है 1 पर y1 पर इसका एक्सप्रेशन भी ये है ये कब हमें मिल रहा है व्हेन a इज लेस देन b ठीक नाउ इक्वल टू के लिए क्या है a बार b बार प्लस ab तो ये ab है ये a बार b बार है मींस कि हम इसको कनेक्ट कर देते हैं मींस कि मैंने इसको लिया यहाँ से ये लिया एक और गेट को दिया और ये जो आउटपुट होगी ये क्या होगी ए इक्वल टू बी ठीक तो दिस इज द कंपेरिटर यूजिंग टू इज टू फोर रिकॉर्डेड थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू